पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय पाकिस्तानी सरकार और सेना के आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। पिछले साल सत्ता से बाहर होने के बाद इमरान खान खुलकर सेना का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा पर इमरान खान ने एक बार फिर हमला बोला है। इमरान खान ने हाल ही में अटलांटिक काउंसिल को दिए इंटरव्यू में बताया कि कमर बाजवा अक्सर हमें बताते थे कि पाकिस्तानी सेना भारत के साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वास्तव में भारत के साथ शांति का एक रास्ता था और पाकिस्तान सेना प्रमुख इसके समर्थन में थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान खान ने कहा कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध सुधारने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित पाकिस्तान यात्रा से पहले उठाए जाने वाले कदमों में से एक था। हालांकि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया तो पाकिस्तान की सरकार ने व्यापार रोक दिया। फौज के साथ अपने संबंधों पर इमरान खान ने कहा, मुझे पता था कि सेना के साथ मिलकर काम करना है और शुरुआत में सब चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब मैंने बाजवा को विस्तार दे दिया। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इमरान खान ने आगे बताया कि विस्तार के बाद से जनरल बाजवा बिल्कुल अलग थे। मैं पाकिस्तान में कानून का शासन चलाना चाहता था। मैंने महसूस किया कि जब तक बाजवा ना चाहे तब तक कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि NAB उनके नियंत्रण में था। मैं पावरफुल लोगों को कानून के शासन के तहत नहीं ला सका, क्योंकि बाजवा पहले ही उनसे सौदेबाजी कर चुके थे। मैं असहाय हो चुका था। इमरान खान ने आगे बताया कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि हमने 2 साल कोविड में बिताए और पूरी दुनिया कोविड-19 के असर से जूझ रही थी। हमने बीते 17 सालों में सबसे अच्छा काम किया था, लेकिन एक मौके पर आकर जनरल बाजवा ने अपना पाला बदलने का फैसला कर लिया। मैंने उन्हें धोखा नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने दूसरे के पाले में जाने का फैसला कर लिया था। इमरान खान ने भारत के साथ रिश्तों पर इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं सैन्य कार्रवाई से मुद्दों को सुलझाने में विश्वास नहीं करता हूं। इमरान खान ने कहा, मैं युद्ध और हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त हूं। फिर भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया। ऐसे में आप पाकिस्तान से क्या उम्मीद करते हैं? तय था कि इसके बाद भारत से पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ेंगे ही। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इमरान खान ने मुखर होकर पाकिस्तानी सेना पर हमला बोला हो। इसके पहले भी इमरान खान पाकिस्तानी सेना को 1971 का युद्ध दिलाते हुए हमला बोल चुके हैं।